मैट्रिक्स एम जिसका साइज है 7x5, इसकी रैंक 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स एन है जिसका साइज है 5x7, इसकी रैंक 5 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एम एन वेल डिफाइंड है और इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर हम एन की रैंक देखते हैं तो जो रैंक है वो साइज का एक फैक्टर है। अगर कभी इस तरह से होता है कि प्रोडक्ट की रैंक हमें फाइंड करनी है या किसी एक मैट्रिक्स की, तो इसमें से जो एम और एन है कोई एक जो होगा उसकी जो रैंक है वो साइज के एक फैक्टर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन का जो साइज है वो 5x7 है और इसकी जो रैंक है वो 5 है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट की रैंक है वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगी, यानी कि एम के, और एम की जो रैंक है वो कितनी है, 3 है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।